जैसा कि आपने देख लिया कि आज हम सीखेंगे सुमिता अरोरा का क्लास 12 का चैप्टर पाइथन रिवीजन टूर का टाइप सी का क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे। चलिए देख लेते हैं क्वेश्चन क्या कहता है। सबसे पहले ये पढ़ ले, बता दे रहा हूँ। राइट द प्रोग्राम दैट रीड एन इंटीजर एन फ्रॉम द कीबोर्ड कंप्यूटर एंड डिस्प्ले द सम ऑफ द नंबर फ्रॉम एन टू 2 इंटू एन इन एन इज नॉट नेगेटिव इफ एन इज नेगेटिव नंबर देन इट्स सम ऑफ द नंबर फ्रॉम 2 एन टू एन द स्टार्टिंग एंड एंडिंग डिपेंड पॉइंट आर इंड्यूस्ड इन द सम। अब चलिए देख लेते हैं कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, प्रोग्राम क्या होगा। तो चलिए बिना टाइम के बाद वीडियो शुरू करते हैं और आज कुछ नया सीख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर से देख लेते हैं 7 क्या कहता है। राइट अ प्रोग्राम दैट रीड एन इंटीजर एंड फ्रॉम द कीबोर्ड। राइट अवे प्रोग्राम ऐसा करें जिसमें यूजर ना कीबोर्ड के थ्रू अपने ना इनपुट करे एंड डिस्प्ले द सम ऑफ नंबर फ्रॉम एन टू 2n इफ एन इज नॉन नेगेटिव नंबर। यानी कि यूजर से आप एन इनपुट कराइए प्रिंट, फिर ना उसका सम करिए एन से लेके 2n तक ना उसका सम करिए अगर वो नॉन नेगेटिव नंबर है तो। अगर इफ एन इज ए नेगेटिव नंबर देन द सम ऑफ द नंबर फ्रॉम 2n टू n। अगर n नेगेटिव नंबर है तो जाहिर सी बात है 2n उससे भी छोटा होगा, तो इसीलिए ना बोला है कि ना n इज नेगेटिव नंबर देन इट्स सम ऑफ द नंबर फ्रॉम 2n टू n द स्टार्टिंग एंड एंडिंग पॉइंट आर इंड्यूस्ड इन सम। यानी कि n भी रहना चाहिए 2n भी रहना चाहिए, मतलब ये दोनों का भी सम होना चाहिए। तो देख लेते हैं इसका आंसर क्या है। सबसे पहले मैंने सम नाम का वेरिएबल लिया 0, इसलिए मैं सम नाम का ये वेरिएबल लिया होगा, ऐसे कोई फंक्शन वगैरह नहीं है, कीवर्ड वगैरह नहीं है। एन नाम के जैसे एन बोला है तो इसलिए मैंने एन लिया है यहाँ पे। फिर उसको आईएनटी, क्योंकि आईएनटी इंटीजर ही करेगा नेगेटिव या पॉजिटिव नंबर इनपुट करेगा, तो यहाँ इनपुट करा दिया इंटर है नंबर। फिर यहाँ मैंने क्या किया इफ एन, अगर एन ना 0 से ग्रेटर है, यानी कि 0 से अगर बड़ा है तो जाहिर सी बात है पॉजिटिव नंबर है। तो पॉजिटिव नंबर के लिए हम बोला गया कि n से लेकर 2n तक का सम करना है, राइट गाइस। तो यहाँ फॉर i इन रेंज n, n जो कि इंटीजर है वहां से लेके n इंटू 2, क्योंकि 2n तक करना था इसलिए n इंटू 2 प्लस 1। 1 यहाँ प्लस 1 क्यों किया, क्योंकि इंड्यूज इन सम, यानी कि स्टार्टिंग एंडिंग पॉइंट इंड्यूज इन द सम, माने ये n और 2n भी ना उस सम में शामिल रहेंगे, जो हमारा सम होगा उसमें शामिल रहेंगे। तो फिर मैंने इसलिए मैंने यहाँ पे प्लस 1 किया। तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा ये प्लस 1 मैंने किया। फिर यहाँ मैंने सम इक्वल टू सम प्लस 1 आई जो भी नंबर यहाँ आएगा एन की वैल्यू से लेकर के 2n तक आएगा, इसको हम शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं, पर बिग फॉर्म में ऐसे लिखेंगे सम प्लस, उसको शॉर्ट फॉर्म में भी लिखते हैं। अब मैं आपको दोबारा नहीं, आप क्लास 11 में पढ़ चुके। अगर ऐसा नहीं, अगर एन छोटा रहता है तो क्या करेंगे, फिर ऑटोमेटिक क्या होगा, फॉर आई इन रेंज 2n, अब बोला है 2n से नेगेटिव नंबर है इसलिए 2n से लेकर के n प्लस 1 जाएगा। यहाँ 2n क्या रहेगा, नेगेटिव नंबर रहेगा। मान लीजिए n की वैल्यू यूजर ने इनपुट किया माइनस 1, तो यहाँ पे माइनस 2 हो जाएगा, माइनस 2 से लेकर 0 तक। यहाँ अगर माइनस 1 इनपुट करते हैं तो यहाँ प्लस 1 क्यों लिया, क्योंकि n को भी इंड्यूस्ड करना उसमें शामिल करना है, इसलिए मैंने यहाँ प्लस 1 लगाया। तो यहाँ सम इक्वल टू प्लस इक्वल टू आई, यहाँ आपको मालूम चल गया। फिर प्रिंट सम करा दिया, टोटल सम ना जो आएगा हमारा वो मैं प्रिंट करा दिया। तो चलिए एक बार रन करा के देख लेते हैं इसको। अब देखिए पहले हम पॉजिटिव नंबर के लिए लेते हैं, चलिए मैं लिख लेता हूँ 15, तो उसका आएगा 360। आप अपने कैलकुलेटर का यूज़ करके कर सकते हैं, यानी कि 15 इनपुट किया तो इसका मतलब क्या, 15 अपने कैलकुलेटर में आप सम करके देख लीजिएगा, 15 प्लस 16 प्लस 17 प्लस 18 प्लस 19 प्लस 20 से लेके 30 तक, राइट गाइस। 15 से लेकर 30 तक का जो सम होगा वो 360 आएगा, आप करके देख सकते हैं। फिर निगेटिव नंबर के लिए भी ट्राई कर लेते हैं, निगेटिव नंबर में माइनस 15 नहीं लूंगा, तो देखिएगा माइनस 360 आएगा गाइस। देखिए माइनस 360 आया, क्योंकि भाई उससे तो क्या दिक्कत है, 2n से लेके n तक करो या n से 2n तक करो, माइनस माइनस प्लस होता है और ना साइन बड़े का लगता है आपको, जैसा मालूम ही होगा प्रीवियस क्लासेस में पढ़ लिया।